प्रिय देशवासियों, हमारा प्यारा भारत देश सन 1947 ईस्वी में आजाद हुआ था, यह तो आप सभी जानते हैं। परंतु इसे आजाद कराने के लिए कितने वीर जवानों ने अपने जीवन का बलिदान करके इस देश की मिट्टी को अपने खून से सींच के हरा भरा किया तथा हम सबके भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाया है। आइए आज हम आप सबको इस संगीतमय गाथा के माध्यम से उन सभी वीर शहीदों के कथाओं को श्रवण कराने जा रहे हैं, जिनके बलिदानों से ही आज हम सब अपने देश में सुखपूर्वक स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए, भारत माता की जय। हम देश के वीर शहीदों की शुभ कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारत के आज़ादी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम देश के वीर शहीदों की शुभ कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारत के आज़ादी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय देशवासियों, हमारे देश में आज़ादी के लिए प्रथम क्रांति 10 मई सन 1857 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने बड़े षड्यंत्र के साथ कारतूसों में सुअर और गाय का मांस प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तब हिंदू मुस्लिम आदि समस्त लोगों का अनजाने में धर्म भ्रष्ट होने लगा, क्योंकि उन कारतूसों को बनाया ही ऐसा गया था कि उन्हें दांतों से ही खींचकर खोलना पड़ता था। फिर क्या हुआ, आगे की कथा श्रवण कराते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भारत माता की जय। मंगल पांडे ईस्ट इंडिया में थे एक सिपाही, आज़ादी के मंजिल को यह बने थे पहले राही। अंग्रेजों के षड्यंत्रों की बात समझ आई, तब मंगल पांडे ने एक युक्ति है अपनाई। अपने सिपाही मित्रों को भी साथ बुलाया है, अंग्रेजों के सब षड्यंत्रों को समझाया है। बोले मंगल, देश धर्म के लिए जान देना है किस्मत की बात, से सब गांठ बांध लेना। सब मिल कर के एक साथ आवाज उठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारत के आज़ादी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय देशवासियों, जब ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे की बातों का ध्यान नहीं दिया, तब मंगल पांडे ने विद्रोह का डंका बजाते हुए ब्रिटिश अफसर पर गोलियां चला दी। मंगल पांडे का निशाना चूक गया और वे जमीन पर गिरकर खून से लथपथ हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन विद्रोह के 2 दिन बाद ही मंगल पांडे पर मुकदमा चल गया। तो प्रेम से बोलिए, भारत माता की जय।
ब्रिटिश कोर्ट ने मंगल पर मुकदमा चलाया है, तत्कालीन प्रभाव से फांसी सजा सुनाया है। मंगल पांडे को फांसी हो गई दूसरे दिन, दुखी हुए कुछ मित्र सिपाही तो मंगल के बिन। जनरल हियर से ने फिर तो सबको धमकाया, कैसा होगा दंड विरोध का सबको बतलाया। ईश्वरी पांडे को फांसी की सजा हुई है जब, लेनिन ने डिसबैंड कर दिया रेजिमेंट को तब। मेरठ में विद्रोह सिपाही करते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भारत के आजादी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय देशवासियों, जब और भी सिपाहियों ने विद्रोह करते हुए कारतूसों को लेने से साफ इनकार कर दिया, तब उनकी वर्दियां उतार दी गई और उन्हें एक घंटे से अधिक समय तक खड़े रहकर उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई और उन्हें कैदियों की तरह जेल भेज दिया गया। प्रिय देशवासियों, इस दृश्य को जो भी अन्य भारतीय सैनिक देख रहे थे, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक सही अवसर पाकर विद्रोह करने का निर्णय कर लिया। तो प्रेम से बोलिए, भारत माता की जय। कुछ अंग्रेजी अफसर जब जा रहे थे गिरजा घर, घेर लिया सैनिकों ने सबको पाकर के अवसर। वीर सैनिकों ने उन सबको जान से मार दिया, जला दिया उन सबके घर को, बदला खूब लिया। जाकर जेल के अंदर बंद सैनिकों को छुड़वाया, भारत ने अब आजादी की ओर था कदम बढ़ाया। अंग्रेजों को वीर सैनिकों ने ललकारा है, भागो देश छोड़कर हिंदुस्तान हमारा है। इसी तरह संघर्ष निरंतर चलते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भारत के आजादी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे वीर शहीद जवान, भारत की आन और शान, हम करते हैं यशगान, हे धन्य शहीद जवान। प्रिय देशवासियों, अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष करते हुए भारत के प्रत्येक गांव और कस्बों से क्रांतिकारी वीर निकलने लगे, जिनके हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, सम्मान, प्रेम और समर्पण जैसी भावना कूट कूट कर भरी थी। इन्हीं क्रांतिकारी वीरों में से एक थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को मोहो बनी बंगाल में त्रैलोक्यनाथ बोस के घर हुआ था। तो प्रेम से बोलिए, भारत माता की जय। खुदीराम के मन में ऐसा राष्ट्र प्रेम जागा, आजादी के लिए बोस ने सब कुछ है त्यागा। सन 1902 में ये चर्चाओं में आए, ऐसा कार्य किया कि पूरे भारत में छाए। अंग्रेजों ने पर्चा बांटने का आरोप लगाया,
और मुकदमा खुदी राम पर है भारी चलवाया। खुदी राम प्रफुल्ल ने अंग्रेजों को मजा चखाया, लेकिन कुछ गद्दारों ने इन दोनों को पकड़ाया। फिर अंग्रेज इन्हें भी फांसी पर चढ़वाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भारत के आजादी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय देशवासियों, खुदीराम बोस के बाद और भी कई क्रांतिकारी आए जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चल रहे बगावत को कभी भी धीमा नहीं पड़ने दिया और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्हीं क्रांतिकारी वीरों में से एक थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए एक जुलूस निकाला जिसमें प्रदर्शनकारियों पर सहायक अध्यक्ष साडर्स ने लाठी चार्ज करवा दिया, जिसमें बुरी तरह से घायल होने के कारण लाला लाजपत राय की मौत हो गई। तो प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। अंग्रेजों को मार भगाने निकले तीन जवान, भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव अतीब महान। भारत की आजादी को जब मन में ठान लिया, तब तीनों ने अपने घर परिवार को छोड़ दिया। अंग्रेजी शासन तक सारी बातें अब हो जाए, इस कारण तीनों ने मिलकर ढूंढा एक उपाय। 1929 में केंद्रीय असेंबली के अंदर फेंका है बम एक क्रांतिकारी वीरों ने मिलकर। इसके बाद ही तीनों चर्चा में आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भारत के आजादी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय देशवासियों, केंद्रीय असेंबली के खाली स्थान पर उस बम का बड़ा ही जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके के बाद भगत सिंह ने वहां पर एक पर्चा भी फेंका जिसमें लिखा था कि मैं बिना किसी खून खराबे के ब्रिटिश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। तो प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। खुद ही गिरफ्तार हो सारी बात बताई है, भारत में हर ओर भगत की कीर्ति छाई है। ब्रिटिश पुलिस ने हत्या का आरोप लगाया है, देशद्रोह का भगत पे मुकदमा चलाया है। लगातार 2 वर्ष जेल में भगत सिंह थे बंद, किंतु क्रांति की गतिविधियां ना हुई तनिक भी मंद। 23 मार्च 1931 का दिन जब आया, भगत सिंह को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया। राजगुरु सुखदेव भी फांसी पर चढ़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भारत के आजादी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे वीर शहीद जवान, भारत।
देशवासियों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ एक और महान क्रांतिकारी वीर थे, जिनका नाम था पंडित चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी बहुमुखी भागीदारी की थी। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई सन 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश झाबुआ जिले के भावरा नामक स्थान पर हुआ था। तो प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। विद्रोही गतिविधियों में आगे ये रहते थे, इसीलिए इनको आजाद सभी जन कहते थे। ट्रेन लूटने के प्रयास में पुलिस ने पकड़ा है और इन्हें फिर जंजीरों में जाकर जकड़ा है। छूटे जब आजाद जेल से तो बाहर आए, मुख्य इलाहाबाद चौक पर जाकर के छाए। ब्रिटिश सैनिक पर अनगिनत गोलियां बरसाए, फिर अपनी ही पिस्टल से खुद पर गोली चलाए। देश की आजादी को अपनी जान गवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भारत के आजादी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शहीद जवान भारत की आन और शान, हम करते हैं यशगान, है धन्य शहीद जवान। प्रिय देशवासियों, स्वतंत्रता संग्राम के इस महायुद्ध में दो महान क्रांतिकारी महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगभग साथ साथ ही सक्रिय हुए। नेताजी का जन्म कटक शहर के हिंदू कास्त परिवार में जानकीनाथ बोस के घर हुआ था। नेताजी ने अपने ICS का त्याग पत्र देते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को अपना लिया और दास बाबू के साथ मिलकर घटनाओं को अंजाम देने लगे। तो प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। एक तरफ गांधी जी ने संगठन बनाया था, आजादी में अपना तो जी जान लगाया था। वहीं दूसरे तरफ वीर थे नेताजी खाकी, जिनके मन में बलिदानों की इच्छा थी बाकी। जब आजाद हिंद की एक फौजी हो गई तैयार, तब नेताजी ने अंग्रेजों पर है किया प्रहार। ब्रिटिश शासन बुरी तरह इनसे घबराता था, क्योंकि वह इनके ऊपर कुछ कर ना पाता था। एक बार नेताजी मंचूरियन में जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भारत के आजादी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वीर शहीद जवान भारत की आन और शान, हम करते हैं यशगान, है धन्य शहीद जवान। प्रिय देशवासियों, हवाई सफर से मंचूरियन की तरफ जाते हुए नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और वे उसी के बाद से लापता हो जाते हैं। इस प्रकार अनगिनत क्रांतिकारी वीर शहीदों के अथक प्रयासों से महात्मा गांधी के नेतृत्व में लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद कर दिया जाएगा
और आखिरकार वह स्वर्णिम अवसर आ ही गया जब हमारा प्यारा भारत देश 15 अगस्त सन 1947 को पूर्ण रूपेण आजाद हो गया। तो प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। देश हुआ आजाद, चहुंदी सी मंगल है छाया, लाल किले पर नेहरू जी ने झंडा फहराया, राष्ट्रगान के साथ देश को किया है संबोधन, वीर शहीदों को भावुक हो करके किया नमन। तब से ही 15 अगस्त हर वर्ष मनाया जाता, भूले ना हम बलिदानों को याद दिलाया जाता, कवि सानंद सुनील शहीदों का गुण गाता है, हर 15 अगस्त को सब में खो जाता है। तब से ही सब मिल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भारत के आजादी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरे ना आए तो किस काम के,
वास्ते हमने रब से दुआ कर लिया, जीना तेरे लिए मरना तेरे लिए। मेरे प्यारे वतन तुझसे वादा किया, जीना तेरे लिए मरना तेरे लिए। को जाने मन जाने जा, मैं रहूं ना रहूं तू सलामत रहे। है न मन मेरा तुझको जाने मन जाने जा, मैं रहूं ना रहूं तू सलामत रहे। लिपट के आंचल से मैंने सजदा कर लिया, जीना तेरे लिए मरना तेरे लिए। मेरे प्यारे वतन तुझसे वादा किया, जीना तेरे लिए मरना तेरे लिए। सौंधी सौंधी मिट्टी महके हो, हो, सौंधी सौंधी मिट्टी महके, कल कल नदियों का गुणगान। सबसे अच्छा सबसे प्यारा दुनिया में है देश महान, मेरा हिंदुस्तान ओ मेरा हिंदुस्तान। रंग बिरंगे लोग बाग जहां, रंग बिरंगी टोलियां, हिल मिल के सब साथ रहे और बोले मीठी बोलियां। रंग बिरंगे लोग बाग जहां, रंग बिरंगी टोलियां, हिल मिल के सब साथ रहे और बोले मीठी बोलियां। हंसते हंसते वीर बाकुरे हो, हंसते हंसते वीर बाकुरे हो जाए कुर्बान। सबसे अच्छा सबसे न्यारा दुनिया में है देश महान, मेरा हिंदुस्तान ओ मेरा हिंदुस्तान। पट जाऊं तिरंगे में मैं, बस इतनी सी हसरत है। जो मिट जाए माँ की खातिर उसकी भी क्या किस्मत है। लिपट जाऊं तिरंगे में मैं, बस इतनी सी हसरत है। जो मिट जाए माँ की खातिर उसकी भी क्या किस्मत है। कर्ज चुकाना है धरती का
चुकाना है धरती का, चाहे हो जाए बलिदान। सबसे अच्छा सबसे न्यारा दुनिया में है देश महान, मेरा हिंदुस्तान, ओ मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान। सौंधी सौंधी मिट्टी महके कल कल नदियों का गुणगान, सबसे अच्छा सबसे प्यारा दुनिया में है देश महान, मेरा हिंदुस्तान, ओ मेरा हिंदुस्तान।